हाय एवरीवन, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल एनवायरनमेंट बाय आरती। तो आज की जो वीडियो है वो है लेक्चर सीरीज़ का पार्ट, जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर सीरीज़ है उसका थर्ड लेक्चर मैं लेके आई हूँ, जिसमें इकोसिस्टम और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं PDF जो है शेयर करती हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो आप वहाँ पर जाके एनवायरनमेंट बाय आरती सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो टर्म है इकोसिस्टम, वो क्वाइन की थी A.G. टांसले ने इन 1935। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे वर्कर्स ने, रिसर्चर्स ने काम किया है इकोसिस्टम पे, लेकिन इनका जो टर्म है वही एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो इकोसिस्टम जो वर्ड है वो दो वर्ड को ज्वाइन करके बना, इको एंड सिस्टम। इको मतलब एनवायरनमेंट और सिस्टम मतलब इंटरैक्टिंग इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरनमेंट में जो भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इंटरैक्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स या लिविंग या नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट बन जाते हैं, और जो वो कॉम्प्लेक्स बनता है एक, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, तो टांसले ने जो टर्म इकोसिस्टम है उसको डिफाइन किया कुछ इस तरह से कि जो इकोसिस्टम होता है वो जब लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था हमने कि एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट जो है हमारी सराउंडिंग्स हैं। ठीक है, जो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि एयर है, वाटर है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो एक ऑर्गेनिज़म को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ को अफेक्ट करता है, वो बेसिकली क्या है, एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के जो लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जब आपस में इंटीग्रेट करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, वो जो एक सिस्टम बनता है उसको उन्होंने कहा क्या है, वो एक इकोसिस्टम। ठीक है, या फिर इकोसिस्टम हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी का। ठीक है, जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, साथ ही साथ वो अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से भी इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इंटरैक्शन है उसका मतलब ये है कि मटेरियल और एनर्जी का जब ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें लिविंग के लिए, हमें सर्वाइवर के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, मतलब फूड चाहिए। उसके साथ ही साथ हमें अपना एनवायरनमेंट में जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन है, हमारी रिक्वायरमेंट है वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का जब एक इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मान लो कि आप किसी रूम में बैठे हो। ठीक है, आप एक रूम की एग्जांपल मैं लूँगी, उस रूम में आप हो, ठीक है, और आपका जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, उस रूम का, सिर्फ एक स्पेसिफिक मैं बात कर रही हूँ रूम का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे आपको एयर भी प्रेजेंट है, एयर में वाटर वेपर है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, लिविंग एक आप अपने एग्जांपल देख सकते हो, और दूसरा बैक्टीरिया जो है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है। ठीक है, और नॉन लिविंग में एयर है, वाटर वेपर है, एयर में कुछ गैसेस भी हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपके सराउंडिंग में। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उस एक रूम में सबके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग का। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सर्वाइव करने के लिए एक तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो हमारे आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं जैसे एयर में वाटर वेपर्स है, वो भी किसी ना किसी तरह हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपके रूम में कोई एक पेट भी है, ठीक है, जैसे डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
वो आप, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक रूम क्या बन जाता है, एक इकोसिस्टम बन जाता है, एक छोटा इकोसिस्टम है, हम स्मॉल इकोसिस्टम हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, और किस लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक तो फूड, एनर्जी, मटेरियल का ट्रांसफ़र, ठीक है, मटेरियल जैसे गैसेस हैं, वाटर है, एयर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसका जो ट्रांसफ़र होता है जिसको हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स, ठीक है, वो एक अलग फंक्शन है इकोसिस्टम का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेनली दो चीज़ों का यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, एक तो मटेरियल और दूसरा एनर्जी। एनर्जी हमें मिलती है फूड से, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एनर्जी, प्रोड्यूसर्स यानी कि जो प्लांट्स हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से, ठीक है, और उनके लिए वो डायरेक्ट सोर्स है, लेकिन हमारे लिए सन क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये हम फूड चेन के में भी बात करेंगे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेरा यहाँ पे ये मकसद था आपको इकोसिस्टम समझ में आए, रूम का मैंने एग्जांपल दिया, अब हम थोड़ा सा इसको लार्ज स्केल पे देखते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, अपने रूम से बाहर जाते हैं, तो एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता है, ठीक है, अगर आप कहीं मार्केट में गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो अलग तरीके से होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप कहीं फॉरेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग तरीके का एनवायरनमेंट दिखेगा, वहाँ पे मे बी वाइल्ड जो है, वाइल्ड एनिमल्स आपको दिखें। फिर उसके बाद वाटर जो है बॉडीज़, आप वाटर बॉडीज़ आपको दिखें, ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके का एक इकोसिस्टम बन जाता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। अब अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ को एक जायंट इकोसिस्टम कहा जाता है, जिसको कि हम बायोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट कर रही है एक दूसरे से, ठीक है। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि बायोस्फेयर और इकोसिस्टम तो दो अलग चीज़ें हैं, तो ये एक जैसा कैसे हो गया, ठीक है। अगर हम बायोस्फेयर की बात करें तो बायोस्फेयर एक ऐसा जोन है जहाँ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए फेवरेबल कंडीशंस आपको मिलेंगी, ठीक है, अर्थ पे जहाँ पे भी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए आपको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं वो है बायोस्फेयर, ठीक है। और उसी बायोस्फेयर में लिविंग थिंग्स भी हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, तो उनका कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे इकोसिस्टम किसको बोलेंगे फिर, ठीक है, वो भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन हम एक जॉइंट इकोसिस्टम को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया कि इकोसिस्टम जो बायोस्फेयर है उसको हमने डिवाइड कर दिया स्मॉलर यूनिट्स में, ठीक है, कि हम उसको आसानी से स्टडी कर पाएँ, उन जो भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो इंटरेक्शन है उसको आसानी से समझ पाएँ, ठीक है, इसीलिए हमने उनको स्मॉलर यूनिट्स में, यानी कि जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, उन सब डिविजन्स में इसको डिवाइड किया कि हमारे लिए इनका जो इंटरेक्शन का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, मटेरियल और एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो हमें आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि हम एक अगर हम एज अ होल बायोस्फेयर को एक ही बार में स्टडी करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो ये इकोसिस्टम के यूनिट्स हैं, ये हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, प्रैक्टिकली इनमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है, फंक्शनल बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन हम इसको स्टडी करने के लिए डिवाइड करते हैं, जैसे हम टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डेजर्ट और माउंटेन्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, एक्वेटिक में फ्रेश और मरीन वाटर, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जैसे जूज हैं, ठीक है, नर्सरीज हैं, उनको स्टडी करते हैं अलग अलग से, ठीक है। तो
इससे एक बात समझ में आती है कि जो इकोसिस्टम है उसका साइज़ छोटे से स्मॉल से लेकर लार्ज तक है, स्मॉल एज अ ड्रॉप, क्योंकि एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे, ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, उसमें गैसेस भी आपको मिलेंगी, तो वो एक छोटा सा इकोसिस्टम बन जाता है। एक पॉन्ड भी एक स्मॉल इकोसिस्टम है, क्रॉप लैंड है जैसे, जहाँ पे आप क्रॉप सो करते हो, ठीक है, और बड़ा कितना हो सकता है, एज लार्ज एज ओशन, ओशन जितना बड़ा एक इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट और फॉरेस्ट जितना बड़ा, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है वो वेरी करता है कि हम किस लेवल पे, किस स्केल पे इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने रूम की बात करी, वो भी एक स्मॉल स्केल इकोसिस्टम है, अगर आप उसको स्टडी करना चाहें आप उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वो एक लार्ज स्केल इकोसिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बात कही थी कि प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो जो इकोसिस्टम के यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे हमने टेरेस्ट्रियल में डिवाइड किया एक्वेटिक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, या हम फॉरेस्ट डेजर्ट और वाटर मरीन वाटर फ्रेश वाटर में डिवाइड करते हैं, प्रैक्टिकली इनमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि अगर आप अर्थ को देखें, अर्थ में तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इस जगह पे इंटरेक्शन उस जगह से कम है, या इस जगह पे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, दूसरी जो जगह है वहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली कोई बाउंड्री नहीं है, सिर्फ हम इसको स्टडी करने के लिए हमने इनको डिवाइड किया है छोटे छोटे यूनिट्स में, ठीक है। अब जो इकोसिस्टम है वो एक ओपन सिस्टम है, जहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूस बट वेरिएबल, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, मटेरियल और एनर्जी का इनटेक और लॉस हो रहा है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि इंटरेक्शन किस टाइप का होता है, जहाँ पे मटेरियल और एनर्जी का जो ट्रांसपोर्ट है वो चल रहा है, ठीक है, इनटेक लेना देना यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें फूड चेन की, फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था, नहीं सेकेंड लेक्चर था, उसमें मैंने टर्म्स के बारे में बताया था कुछ, फूड चेन वगैरह। तो फूड चेन क्या है बेसिकली, जब अब लोअर लेवल का ऑर्गेनिज्म है, जैसे ग्रास है, उस पर फीड कौन कर रहा है, डियर फीड कर रहा है, ठीक है, डियर को कौन फीड कर रहा है, वो टाइगर हो सकता है, लॉयन हो सकता है, या कोई और प्रिडेटर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है। अब जो ग्रास है वो क्या है, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको कौन ले रहा है, डियर ले रहा है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है किसमें, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में वो ट्रांसफ़र हो रहा है डियर में। अब डियर पे फीड कर रहा है टाइगर, तो टाइगर का जो डियर का जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उस पे फीड कर रहा है कौन, टाइगर, तो एनर्जी का क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसफ़र, ठीक है। जब टाइगर की डेथ हो जाएगी या फिर डियर की भी डेथ हो जाती है, तो उसका जो मटेरियल है वो डीकम्पोज हो जाता है, तो मटेरियल का लॉस होता है और वो वापस सॉइल में चला जाता है, ठीक है, सॉइल में या एयर में जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये चीज़ें हैं कि जो इकोसिस्टम है वो एक ओपन सिस्टम है, जिसमें कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, इनटेक और लॉस हो रहा है मटेरियल्स और एनर्जी का, ठीक है। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें, या जो एक हमने बात की कि जायंट इकोसिस्टम है जो अर्थ, उसमें ये सब चीज़ें आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो डिविजन्स हैं इकोसिस्टम्स के, यूनिट्स हैं वो हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, फिर फ्रेश वाटर सॉरी एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसमें फ्रेश वाटर और मरीन है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, और यहाँ पे मटेरियल और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं अर्थ के अंदर, इसलिए अर्थ को हम क्या कह सकते हैं, एक जायंट इकोसिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के टाइप्स की। तो इकोसिस्टम
बेसिकली अगर हम देखें तो दो टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल वो हो गए जो खुद से ही ऑपरेट करते हैं अंडर नेचुरल कंडीशन, जिसमें मैन का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, आज के टाइम में वैसे हर जगह मैन का इंटरफेरेंस है, लेकिन अगर हम उसको नेचुरल कंडीशंस में बात करें तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, अब नेचुरल इकोसिस्टम फर्दर डिवाइडेड है टू सब डिविजन्स में, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड पर है, और एक्वेटिक यानी कि जो वाटर में है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी फर्दर डिवाइडेड है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट में, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो फ्रेश वाटर एंड मरीन। फ्रेश वाटर जो है जैसे रिवर्स का वाटर होता है जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, और मरीन वाटर जो है जिसमें आपको सॉल्ट मिलेगा, जैसे सी हैं, ओशियंस हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी फर्दर दो टाइप्स हैं, कौन सा, लोटिक और लैंटिक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और आर्टिफिशियल और मैन इंजीनियर्ड जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम होता है जो मैन ह्यूमन ही मेंटेन करता है। ठीक है, और सब चीज़ों पे यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिटी जो भी है इस पे कंट्रोल किसका है, मैन का ही है। ठीक है, वो मैनिपुलेशन करके चेंजेस ला के उसको अपने हिसाब से ग्रो कर सकता है, जैसे कि क्रॉप लैंड्स हैं। ठीक है, जो क्रॉप्स हम लगाते हैं तो अपने हिसाब से उसको ग्रो करवाएगा कि हमें कितनी यील्ड की जो रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और हमें जैसे टिश्यू कल्चर है, ठीक है, उसके अपने हिसाब से वो उसको कंडीशंस प्रोवाइड करके, मैनिपुलेट करके उस इकोसिस्टम को वो ग्रो करेगा। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन। फॉरेस्ट के एग्जांपल्स है जैसे रेन फॉरेस्ट होता है, आपका जो रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे हो गया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होता है जिसके हमेशा ही लीव्स जो हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, वो झड़ते नहीं हैं, इसलिए उनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। डेसीडियस फॉरेस्ट, फिर डेसीडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जिन पे जो लीव्स होते हैं वो शेड होते हैं। ठीक है, एक बार शेड होते हैं और वापस से नए लीव्स आते हैं। ठीक है, इसमें ट्रॉपिकल टेम्परेट हो सकते हैं, ट्रॉपिकल वो होते हैं जो ट्रॉपिक्स में होते हैं, जो वार्म क्लाइमेट्स में होते हैं, और टेम्परेट वो होते हैं जो कोल्ड क्लाइमेट्स में होते हैं। ठीक है, टेगा, ठीक है, ये फॉरेस्ट टाइप्स हैं। फिर डेजर्ट, डेजर्ट जैसे राजस्थान में थार डेजर्ट है, ठीक है, जहाँ पे जो रेनफॉल है वो बिल्कुल कम होती है, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर आपको वहाँ पे रेनफॉल मिलेगी। ग्रासलैंड्स होते हैं, जो ग्रासलैंड एक टाइप के ट्रांजिशन जोन है फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रासेस दिखेंगी, हर्ब्स और श्रब्स दिखेंगी, ट्रीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखेंगी, या फिर होंगी भी बिल्कुल कम क्वांटिटी में आपको यहाँ पे ट्रीज दिखेंगी। ठीक है, इसका एग्जांपल है सवाना है, जैसे प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। फिर माउंटेन इकोसिस्टम, ठीक है, माउंटेन्स का जो इकोसिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं माउंटेन इकोसिस्टम। ठीक है, बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है, मैंने पहले भी दिखाया, इसमें दो जो टाइप्स हैं कौन से हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन। ठीक है, फ्रेश वाटर वो है जिसमें सॉल्ट की क्वांटिटी आपको नहीं मिलेगी, जैसे रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं। ठीक है, और इसमें भी दो टाइप के होते हैं, लोटिक एंड लैंटिक। लोटिक होता है रनिंग वाटर, ठीक है, जैसे रिवर्स का वाटर है, स्ट्रीम का वाटर है, उसको हम लोटिक बोलेंगे। और लैंटिक है जो स्ट्रेगनेंट वाटर, जो एक ही जगह पर आपको दिखेगा, वो है जो फ्लो नहीं कर रहा है, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। तो जैसे पॉन्ड है, इसकी एग्जांपल है, ठीक है, लेक्स भी इसकी एग्जांपल है। मरीन वाटर वो है जो आपको सीज, ओशंस में दिखता है, जहाँ पे सॉल्ट की क्वांटिटी आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, उस स्लाइड में पीछे आपको समझाया है कि जो मैन के इंटरफेरेंस से बनता है, ठीक है, वो खुद ही मैनिपुलेट करेगा, खुद ही चेंज करेगा, खुद ही कंडीशंस वहाँ पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यहाँ पे काम कर रहा है।
ठीक है, जैसे नर्सरी है, ठीक है, जहाँ पे आप प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, प्लांटलेट्स ग्रो करते हैं, एक्वेरियम्स हैं जैसे छोटे छोटे ग्लास के बॉक्सेस होते हैं जिसमें आप फिशेस को रखते हैं, कहीं मॉल्स में या एक्वेरियम्स में, या आप उसको अपने घर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। गार्डन्स हो गए, जूज जो हैं, जू भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, वहाँ पे आप जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको ला के रखते हैं कैप्टिविटी में और उनको कंडीशंस उस तरह की प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। क्रॉप लैंड हो गया, जो आप क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो है उसमें मेनली आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट में, या नॉन लिविंग फैक्टर्स जो आपको मिलते हैं एनवायरनमेंट के, वो होते हैं, ठीक है। फर्दर बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। उनका न्यूट्रिशन कैसा है उसके बेसिस पर, मतलब वो किस तरह का फूड वो एक्वायर करते हैं, किस तरह के फूड पे वो फीड करते हैं, उसके हिसाब से बायोटिक कंपोनेंट्स को डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब कंज्यूमर्स जो हैं वो भी फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये हायरार्की पे डिवाइडेड है। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी के ऊपर टर्शरी आता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स जो हैं उनका नाम, दूसरा जो नाम है वो है ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब ये हुआ जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो मेनली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें आपको क्लोरोफिल मिलेगा, और जो सन की एनर्जी को यूज़ करके क्या बना सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं उस प्रोसेस से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हमने क्लास फिफ्थ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, जब सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट क्या है, अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर करता है यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक एबायोटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। एबायोटिक सब्सटेंसेस में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और इसीलिए प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फोटो का मतलब सनलाइट या लाइट, और ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। तो क्योंकि ये सनलाइट के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं तो इनको क्या नाम दिया है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स जो आपको वाटर बॉडीज में दिखते हैं, ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। सरफेस ही पे आपको ये मिलेंगे, वाटर सरफेसेस पे एल्गे हैं, मॉसेस हैं, ठीक है, ये सब अपना खाना खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। प्लांट है जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, लाइट एनर्जी लेती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और वाटर, ठीक है। तो ये जो पूरा केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, या आप कह सकते हैं आपने ट्रांसपायरेशन सुना होगा, ठीक है, जब गैसेस का एक्सचेंज होता है तो ऑक्सीजन ये बाहर छोड़ते हैं, और शुगर, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में जो एनर्जी है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बात की हमने फोटो ऑटोट्रॉप्स की। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स के अलावा कीमो ऑटोट्रॉप्स एक होते हैं, ठीक है, जो अपना खाना केमिकल से बनाते हैं, केमिकली सिंथेसाइज करते हैं जो फूड। तो उसमें कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जिनको हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये आपको ओशन की डेप्थ में मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, लाइट नहीं पहुँच पाती
इसीलिए ये केमिकल्स का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा है, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ये हैं कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये रेड ट्यूब वॉर्म्स हैं, इनके अंदर कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया मिलते हैं, ठीक है। अब बात करें दूसरा जो बायोटिक कंपोनेंट का जो एक टाइप है वो है कंज्यूमर्स, ठीक है। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना खाना एक्वायर करने के लिए डिपेंड रहते हैं प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। इसलिए इनको हिटीरोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। मतलब जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं या फिर प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अब प्रोड्यूस कंज्यूमर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स को। इन तीनों को कलेक्टिवली हम मैक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि टर्शरी के बाद क्वार्टनरी कंज्यूमर्स भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी फूड चेन जो है वो कैसी है, उसमें चार ट्रॉफिक लेवल्स हैं या पांच ट्रॉफिक लेवल्स हैं, क्योंकि फूड चेन जो है वो वेरी कर सकती है, ठीक है। फूड चेन मैंने पहले भी कहा क्या है, एक सीक्वेंस है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे पर फीड करता है और वो एक चेन बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। और वो वेरी कर सकती है, ट्रॉफिक लेवल हो गया कि उस लेवल पे, वो एक लेवल जिस पे ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन जो है वो परफॉर्म करता है। जैसे डियर है वो आपको फूड चेन में सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे मिलेगा, क्योंकि वो एक क्या है, हर्बीवोर है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो हमेशा क्या है, हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स मतलब जो डायरेक्टली प्लांट्स पर फीड करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जो प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं अगर कोई एक्वाटिक फूड चेन है तो वो फाइटोप्लैंकटॉन्स पे फीड करेंगे, ठीक है। फाइटोप्लैंकटॉन्स क्योंकि प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हुए, जिनको हम दूसरा नाम क्या है, हर्बीवोर्स, और ये हमेशा प्रोड्यूसर्स पर रिलाई करते हैं फूड के लिए। एग्जांपल्स हैं जैसे इंसेक्ट्स है, रॉडेंट्स है, रैबिट, डियर, काउ, बफेलो, एलिफेंट है, गोट है, ठीक है। इन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो इकोसिस्टम है, और स्मॉल क्रस्टेशंस, मोलस्क एक्सेट्रा इन एक्वेटिक हैबिटेट। कुछ स्मॉल फिशेस भी हो सकती हैं जो डायरेक्टली फाइटोप्लैंकटॉन्स पे क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती है खाने के लिए, ठीक है। बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स आ सकते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश पे फीड करते हैं, ठीक है। दूसरे एनिमल्स की स्किन पर फीड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर। और ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीज़ें हैं कंज्यूम करते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स पे एज वेल एज प्लांट्स, ठीक है। वो एनिमल्स पे भी फीड करते हैं और प्लांट्स पे भी फीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं, ठीक है। प्राइमरी जो है, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स हमने पढ़ा, ठीक है। प्रोड्यूसर्स पे कौन फीड कर रहा है, हर्बीवोर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके ऊपर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो फीड कर रहे हैं हर्बीवोर्स पे, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपको हमेशा कौन दिखेंगे, सिर्फ हर्बीवोर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स पे कौन फीड कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसमें कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स दोनों आपको मिलेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स हैं इसकी स्पैरो, क्रो, फॉक्स, वुल्फ, डॉग्स, कैट्स, स्नेक्स, ठीक है। जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ये ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक है। ये आपको जो है प्लांट के, जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी फीड करते हैं, और एनिमल फ्लैश पे भी ये फीड करते हैं, ठीक है। स्पैरोज हैं, क्रोज हैं, ये भी इस तरह के ही एनिमल्स हैं। फॉक्स, वुल्फ, ये कार्निवोर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है टर्शरी कंज्यूमर्स। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उन पे फीड करते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, मतलब
सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन खाता है, टर्शरी कंज्यूमर, अगर सिंपल भाषा में आप समझें, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनको टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे एपेक्स पे आते हैं, सबसे ऊपर आते हैं, जो कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, हर्बीवोर्स पे क्या कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, उन पर फीड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लॉयंस, टाइगर्स, हॉक, वल्चर, स्नेक्स ये आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इसमें एक और वेरिएशन हो सकता है कि क्वार्टनरी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा अगर फूड चेन का जो ट्रॉफिक लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया, उसमें अगर 5 ट्रॉफिक लेवल्स हो गए तो उसमें क्वार्टनरी कंज्यूमर भी मतलब एडअप हो जाएगा, और उसको फिर हम बोलेंगे टॉप कार्निवोर्स उस केस में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सबसे पहले हम प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे, ग्रास, ठीक है। ग्रास पे फीड कर रहा है, ग्रास ऊपर, ठीक है, वो हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर, ठीक है। उस पे ग्रास होपर पे कौन फीड कर रहा है, मान लो फ्रॉग फीड कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ट्रॉफिक लेवल्स हो गए, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था आपका प्रोड्यूसर, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आपका हो गया ग्रास होपर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया फ्रॉग, ठीक है। अब फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर कुछ भी हो सकता है, मान लो कि वो एक स्नेक है, ठीक है, तो स्नेक ने उस फ्रॉग को खा लिया। अब ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आ गया यानी कि टर्शरी कंज्यूमर है, ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर है। अब टर्शरी कंज्यूमर, अब हमने क्या किया कि हम मान लेते हैं कि ये फूड चेन यहीं पे एंड हो गया, तो यहाँ पे टॉप कार्निवोर जो है वो है स्नेक, ठीक है। अब वो स्नेक, उसको किसी ने नहीं खाया, वो नेचुरल डेथ उसकी हुई और वो मर गया, ठीक है, तो फूड चेन यहीं पे ख़त्म हो गया। अब लेकिन अगर स्नेक के बाद एक हॉक या वल्चर क्या कर रहा है, मान लो हॉक है, ठीक है, हॉक ने फीड किया स्नेक पर, तो यहाँ पे एक और ट्रॉफिक लेवल ऐड हो गया जिसको हम बोलेंगे क्वार्टनरी कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे हॉक क्वार्टनरी कंज्यूमर बन गया, और ये अब क्या बन गया, टॉप प्रीडेटर या टॉप कार्निवोर यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन आपको मिल सकता है, क्योंकि फूड चेन्स जो हैं वो पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है कि 4 ही इसमें ट्रॉफिक लेवल्स होंगे या 5 ही होंगे, वो वेरी कर सकता है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं या कंज्यूमर्स की क्लासेस हैं, उसमें आपको पैरासाइट्स, स्क्वेवेंजर्स, स्टेप्रोब्स, ये भी आपको कंज्यूमर्स में ही इंक्लूडेड मिलेंगे। कुछ पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। अब पैरासाइट्स ज़रूरी नहीं है कि वो टर्शरी कंज्यूमर्स के ही ऊपर होंगे, ठीक है, जैसे अगर वल्चर है उसके ऊपर कुछ पैरासाइट्स जो हैं वो फीड कर सकते हैं, तो वो एक आप कह सकते हैं कि क्वार्टनरी कंज्यूमर में आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अब वही जो पैरासाइट है वो लोअर लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है, वो छोटी बर्ड है एक, उस पे हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो जो होस्ट है, ठीक है, पैरासाइट का जो होस्ट है वो किस ट्रॉफिक लेवल पर है, ठीक है। अब स्क्वेवेंजर्स और सेप्रोव जो होते हैं वो डेड रिमेन्स जो होते हैं एनिमल्स पे, उनको यूटिलाइज़ करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, अपना खाना वो वहाँ से एक्वायर करते हैं। अब तीसरा जो टाइप है बायोटिक कंपोनेंट्स में वो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स को हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सैप होती है, सैप मतलब कि जो लिक्विड आप कह सकते हैं प्रोडक्ट होता है प्लांट्स या एनिमल्स का, ठीक है, जो ब्रेक डाउन होके एक कंपाउंड बनता है उसको हम सैप बोलेंगे, और उस पर जो फीड करते हैं, ठीक है, उसका उससे जो न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए उनका नाम हमने रख दिया सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो डेड और लिविंग प्रोटोप्लाज्म होता है प्लांट्स या एनिमल्स का, उन पर ये फीड करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, ठीक है, स्मॉलर सिंपलर कंपाउंड्स में, और जो भी
एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ये फीड करते हैं एनर्जी के लिए, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वापस से एनवायरनमेंट पे क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, जैसे सॉइल में, एयर में, वाटर में, इनको रिलीज़ कर देते हैं और वो वापस से ऑटोट्रॉफ्स के लिए यानी कि प्रोड्यूसर्स के लिए वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। इस तरह एक साइकिल चलता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। आपने देखा प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में, कंज्यूमर्स से फिर डीकम्पोजर्स में, डीकम्पोजर्स से वापस फिर सॉइल में, वाटर में या एयर में, और वापस से वो प्रोड्यूसर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बायो जियो केमिकल साइकिल एक चल रहा है, फंक्शन जो है इकोसिस्टम का एक टाइप का आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे अलग से। अब इसके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और फंजाई। अब बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिया, अब एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम के वो क्या हैं, ठीक है। जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है या फिर नॉन लिविंग फैक्टर्स जो हैं एनवायरनमेंट में, उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे इकोसिस्टम के। अब जो ऑर्गेनिज्म है, अब अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो इनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। अब हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते अर्थ पे, हमें हर एक चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है। बाकी गैसेस भी हमें जो हैं वो रिक्वायर होती हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सर्वाइव करने के लिए हमारी बॉडी के लिए, वैसे ही बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी ये सब चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, और ये सब मटीरियल साइकिल्स में इन्वॉल्व होता है, जैसे बायो जियो केमिकल साइकिल्स हैं उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो उससे वो साइकिल होके जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जितना भी अमाउंट इनका प्रेजेंट होता है गिवन टाइम में इकोसिस्टम में, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब कितना इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है प्रेजेंट है एक टाइम पर इकोसिस्टम में, उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, ह्यूमिक सब्सटेंसेस हैं, और बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनका जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो ये एक बायोकेमिकल स्ट्रक्चर बनाता है इकोसिस्टम का, ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ह्यूमिक सब्सटेंसेस, ये भी नेसेसरी हैं ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे रेन है, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, एयर, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक है, लाइट हमें नहीं मिलेगी, लाइट क्योंकि सोर्स है, सनलाइट सोर्स है इनडायरेक्टली हमारे लिए एनर्जी का, ठीक है, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। रेन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रॉप्स ग्रो नहीं करेंगे अगर रेन नहीं होगी। ह्यूमिडिटी ज़रूरी है रेनफॉल के लिए, विंड ज़रूरी है, एयर भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी एबायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। फिर एडैफिक एंड अदर फैक्टर, जैसे कि मिनरल्स हैं, सॉइल है, टोपोग्राफी है, पीएच है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर जो एक रिलेशनशिप बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, उससे जो हमारा अर्थ है उस पर पूरा एक जो आप सर्वाइवल जो है वो सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो ये थी आज के लेक्चर में, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया हो, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं, लिंक प्रोवाइडेड है, आप उसमें देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इकोसिस्टम्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू।